करने करना नहीं था, लेकिन जो भी करा अच्छा करा। मगर तो ये बात कहाँ तक सच है, ये जो घर का डिमोलिशन हुआ, लड़ाई आप जरा पर्सनल चल रही, तो पूछ, घर की हद तक कोई भी और ले जाना, मतलब आप जरा रहीम खादरी का, उसमें आपका जी, हाथ है बोल के बता रहे। उसमें नाहिदा खादी की बदवा है भाई। मैं तो ये अल्लाह जो कैसा रुका सकता हूँ मैं, जी, ना कोई पुलिस ना कोई पॉलिटिशियन, कोई नहीं रुका सकता। अगर और कंप्लेनर कंप्लेन वापस लिया तो सब मैं कंप्लेन तो वापस, अगर कंप्लेन ले लिया तो वो डिमोलिशन रुक सकता। वो हकीम की बेटी का, 7H वाले की जी। वो बेटी का क्या कसूर? इतनी नेक बच्ची, 5 वक्त नमाजी बच्ची, और इतना बुरा बोलते उसके ताल्लुक से, क्या कसूर है? जाना था हकीम को चाकू मार देना था, इनमें इतनी हिम्मत थी तो जाना था 150 को लेके हकीम के घर पे हमला करना था। जी मगर हकीम की बेटी को इतना जलील करके बोलते हैं। फिर देखो अब अल्लाह ताला कैसा बदला लिया। देखो आप, हकीम की बेटी को बोले, अल्लाह ताला तुम्हारी बेटी से तुम्हारे बारे में बुरा बोलने लगा दिया। 5 साल की उम्र से गाजी वसीमुद्दीन मेरे साथ है, जी यकीनन बच्चा मेरा है, जो करा बच्चा अच्छा करा, साहब, ये तो फिर आप शह दे रहे हैं। शह नहीं दे रहा हूँ, हकीकतन अच्छा करा, हाँ जो करा साहब, अच्छा करा बच्चा। हेलो खाजा भाई, जी, वालेकुम सलाम। और खाजा भाई कैसी है तबीयत मिजाज आपकी? अल्लाह का एहसान खाजा भाई कल से आपको ट्राई कर रहा हूँ, मगर फोन आपका बिजी जा रहा। एक जी। सवाल क्या पूछने का था आपसे, भाई, बोलो। ये कल से एक वीडियो वायरल हो रही, उस पे आपकी फोटो लगी हुई है कंप्लेनर के साथ, तो ये बात कहाँ तक सच है, ये जो घर का डिमोलिशन हुआ रहीम का, एसएम रहीम खादरी का, उसमें जी, आपका हाथ है बोल के बता रहे। उसमें नाहिदा खादरी की बदवा है, क्या साहब? उसमें नाहिदा खादरी की बदवा है बोला। वो जो घर डिमोलिश हुआ ना, जी एक बेचारी 22 साल एक शख्स के साथ जिंदगी गुजारी, जी उसके बच्चे पैदा करी, उसके घर चलाई, उसके संसार चलाई, जी उसके खातिर सड़कों पे उतरी, जी उसके खातिर जो है सोशल मीडिया चलाई, जी उसके खातिर जो है रिपोर्टर बन के सड़कों पे फिर के लोगों लोगों की इंटरव्यू ली, जी खड़े खड़े उसको पराया कर दिया इन्हें, जी वो ट्रिपल तलाक के केस में बोल रहे हैं आप खड़े खड़े पराया कर दिया। जी तो अल्लाह भी जो है इन चीजों को देखता, जी और अल्लाह ताला जो है नाहिदा खादरी के दिल की जो दुआ बदुआ जो थी ना, जी वो बदुआ के शक्ल में वो जी घर का डिमोलिशन हुआ सो है वो। तो इसमें आपका कुछ भी रोल नहीं है, अरे भाई अल्लाह ताला करवाया सो, इसमें हम क्या करते हैं? तो इसमें हर सोशल मीडिया पे चीज जी देखिए, सुनिए, हर चीज अल्लाह ताला करवाता, बस जरिया इंसान बनता सब्जी खलिया। जी जी वो जरिया मैं नहीं, बस खाजी वसीमुद्दीन की बात कर रहा हूँ। तो मगर उसमें फोटो उनके साथ आपकी है ना साहब? देखिए भाई, मेरी फोटो कितनों के साथ है? मेरी फोटो तो आपके साथ भी है, जी साहब, मगर मेरी सोशल फोटो तो मीडिया पे बहुत नहीं है जनों साहब के, नहीं मेरी फोटो बहुत जनों के साथ है भाई। जी। काजी वसीमुद्दीन यकीनन मेरे जानने वाला है, मेरे पहचान वाला है, जी मेरे पास एक जमाने से काम करता बच्चा वो। हम्म, शायद हो सकता है वो किसी की दिल की तकलीफ जो है उस तक पहुंच गई होंगी, उसके दिल को छुपी होंगी, उन्हें कुछ करा होगा, जी सर, करने करना नहीं था लेकिन जो भी करा अच्छा करा। मगर ये सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि आप रुका सकते हैं बोल के, तो ये बात आप रुका सकते हैं, ये जो कांड हो रहा है, हो जो सकता है भाई, मैं ये अल्लाह जो कैसा रुका सकता हूँ नए साहब जो घर का डिमोलिशन है, आप रुका सकते हैं कि आप, फिर ये सोशल मीडिया पे बातचीत चल रही, फिर उसमें थोड़े लोग पोस्ट डाल रहे हैं कि प्रजा दरबार, रुका सकते, तो वो पूछने का था आपसे। भाई? कोई भी नहीं रुका सकते, हाई कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस साहब के ऑर्डर पे ही रुकता वो, जी ना कोई पुलिस ना कोई पॉलिटिशियन, कोई नहीं रुका सकता अगर वो। कंप्लेनर कंप्लेन वापस लिया तो साहब मैं कंप्लेन तो वापस, अगर कंप्लेनर ले लिया तो वो डिमोलिशन रुक सकता, लेकिन वो कंप्लेनर वापस कहीं को लेगा? आपको फोन नहीं आया साहब किसी के, अगर ऐसा रुका समथिंग, जो भी आपके पर्सनल आदमी है, पहचानत के है, कंप्लेन जी वापस लेने लगा ये? नहीं भाई, ऐसा कोई भी नहीं करे भाई, जो भी करेंगे ना उनके घर पे फिर खाजी वसीमुद्दीन खटका मारेंगे अरे साहब ये तो वही बात हो गई ना, पुलिस वालों की दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, तो वही सेम आपके ऊपर आ रहा, ख्वाजा बिलाल साहब की ना दुश्मनी अच्छी ना दोस्ती अच्छी। जाके। अरे दोस्ती अच्छी है, दोस्ती में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बस ये बात तो है, दोस्ती कर लो आप, मैं कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा भाई। नहीं साहब क्यों, वो तो सोशल मीडिया पे एक जो बात चल रही, ये लड़ाई थी रहीम कादरी और ख्वाजा बिलाल साहब के बीच में, मेरी तो लड़ाई ये थी दोनों के इसमें बीच भाई, में था मेरी लड़ाई कहीं को थी बोली आप, वो जी लड़ाई किसकी की थी? जी वो लड़ाई मेरी थी ही नहीं ना, मैं कभी किसी को बोला ही नहीं, मैं सिर्फ इतना बोला कोई किसी को गाली नहीं देना, जी मैं सिर्फ इतना ही बोला था ना भाई, जी मैं कोई किसी को गाली नहीं देना। बोले कोई आके मेरी माँ को बहन को गालियां दे दे रहा, जी मेरे को सुवर बोल दे रहा, मेरे को कुत्ता बोल दे रहा, जी तो हमारे भी तो चाहने वाले कुछ होंगे ना भाई, लोग खाजी वसीमुद्दीन के जैसे, बेशक बेशक सर वो लोगों की भी तो दिल को तकलीफ होती ना। जी वो हकीम की बेटी का, 7H वाले की जी वो बेटी का क्या कसूर? इतनी नेक बच्ची, 5 वक्त नमाजी बच्ची, ऑस्ट्रेलिया में घर संसार कर रही बच्ची, जी उसके ताल्लुक से इतना बुरा बोलते हैं, बेशक सर, सही है बात, इतना बुरा बोलते हैं उसके ताल्लुक से।
वही साहब, अगर लड़ाई आप जरा पर्सनल चल रही तो सोचिए, घर की हद तक कोई भी और ले जाना ना आप साहब। जरा सोचिए, हकीम की बेटी के ननंद होंगे, देवरानिया होंगे, जेठ होंगे, खानदान है जेठानिया बराबर, होंगे, बेशक ससुराल वाले होंगे, वो जी सर, लोग ये इसकी इतनी गंदी बात सुन के वो जी लोगों के दिलों पे क्या पहुंचा होगा? बेशक सर, भाई भी सुन के वो पोस्ट डाला था, मैं आप बोला जरा आपकी सोचिए, लड़ाई अगर है या ये पर्सनल लड़ लो, मगर घर वालों की किसी की हद तक मत जाओ। आप जरा सोचिएगा, जी वो हकीम अगर मेरी और आपकी सगी, हकीम की बेटी आपकी मेरी सगी बहन होती तो बेशक सर, इतनी गंदी बात बोलते हैं? बेशक बेशक गंदगी की इंतहा है बच्ची के ताल्लुक से बोले सो। जी, वो बच्ची का क्या कसूर है? जाना था हकीम को चाकू मार देना था, इनमें इतनी हिम्मत थी तो जाना था 150 को लेके हकीम के घर पे हमला करना था, मगर हकीम की बेटी को इतना जलील करके बोलते हैं आप? अल्लाह ताला ये सब चीजें देख रहा सो है ना भाई? बेशक अल्लाह का इंसाफ है साहब। फिर देखो आप अल्लाह ताला कैसा बदला लिया। देखो आप हकीम की बेटी को बोले, अल्लाह ताला तुम्हारी बेटी से तुम्हारे बारे में बुरा बोलने लगा दिया। जी हाँ साहब, पलट के केस हुआ वो तो। अल्लाह ताला देखो आप उन हकीम की बेटी के किसी मासूम की बच्ची के बारे में बोले, जी अल्लाह ऊपर से जो है देख के अल्लाह ताला जो है खुद जी की बेटी को बाप के खिलाफ खड़ा कर दिया अल्लाह ताला। जी सर, ये अल्लाह का निजाम है भाई। जैसी करनी वैसी करनी, जवान दिया तो अल्लाह ताला इतना बुरा इस्तेमाल नहीं करना किसी के ताल्लुक से। बेशक सर। लोग बोलते हैं आप बोलिए, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, अरे बट भाई आपकी फ्रीडम दूसरों के लिए आप डेमोक्रेसी के नाम पे आतंक नहीं बन किसी की सकती। बच्ची, नहीं जी आप डेमोक्रेसी के नाम पे किसी की बच्ची के पर्सनल अटैक करेंगे आप? गलत है साहब, केस बुक होता ना सर, अरे केस कहेगा क्या केस यार, वो बच्ची का ससुराल के अंदर वो बच्ची की जो है इज्जत की रेपुटेशन। बच्चियां उड़ा देना आप? जी हाँ, ये तो गलत है साहब, ये तो सरासर अरे पूरा केस गलत है। कहेगा केस यार, वो 2 दिन में जेल को जाते, 4 दिन में बरी हो जाते, किस्सा खत्म हो जाता। बात केस की नहीं है। जी आप सोचिए वो इतनी गंदी बात सुन के बच्ची के ननन जेठ जेठानी क्या समझेंगे? खानदान पे असर पड़ता, बराबर आपकी बात। बराबर असर पड़ता भाई, इतनी गंदी बात नहीं करना किसी के ताल्लुक से। जी मेरा तो लड़ मानना रहे ये है साहब, आपकी 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 लड़ाई है तो लड़ लो, मगर घर वालों की किसी के बीच में मत लाओ। लाओ बिल्कुल रख को लाओ, और मैं ये बात शुरू से बोल रहा हूँ, कोई किसी को गाली नहीं देना। बेशक बेशक सही है साहब, आप मेरे को भी नहीं देना, मैं आपको भी नहीं देना। बेशक साहब, बस कोई यही किसी एक को गाली नहीं डाउट देना। था साहब, ये लोग बोल रहे हैं कि आप कराए, तो वही आपसे कंफर्म करने के लिए फोन करा था। यकीनन खाजी वसीमुद्दीन की उम्र 30 साल है, जी खाजी वसीमुद्दीन 30 ईयर्स का बच्चा है, जी 25 साल से मेरे पास है बच्चा, हो माशाल्लाह, उन्हें 5 साल का था तब से मेरे पास है, माशाल्लाह, मेरे पास फैमिली मेंबर की तरह बच्चा रहता हो। जी सर, 5 साल की उम्र से खाजी वसीमुद्दीन मेरे साथ है। जी, यकीनन बच्चा मेरा है, जो करा बच्चा अच्छा करा साहब। ये तो फिर आप शह दे रहे हैं, शह नहीं दे रहा हूँ, हकीकतन अच्छा करा, जो साहब करा अच्छा करा बच्चा। ओके साहब, ठीक है थैंक यू, चलिए, ओके, सलाम अलैकुम। सॉरी।